नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जीके न्यूज महिम, आपका दोस्त अभी मनु सिंह। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय जिले के बिहार से, जहां की एक दरोगा के घर निगरानी विभाग के छापेमारी की जा रही है। बताते चले ये जो छापेमारी से जहां की पूरे बेगूसराय जिले में एक हरकम सी मच गई है, वहीं दरोगा के घर क्या क्या बरामद हुए हैं, चलिए पूरी रिपोर्ट देखते हैं बेगूसराय से। जीके न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। हाँ सर, ब्रजेश कुमार जो कि थाना प्रभारी शंभूगंज थाना बांका में पोस्टेड है, उनके यहाँ आज उनके यहाँ उनके आवास पर आज निगरानी की कार्रवाई की गई। विदित हो कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर निगरानी थाना कांड संख्या 6/6/2024 दर्ज की गई है। उसके बाद एक टीम की गठन की गई जिसमें कुल 12 सदस्य हैं, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सिपाही भी हैं, और उसके बाद उनके आवास पर आज विधिवत छापेमारी की गई और तलाशी भी ली गई। इसमें से यहाँ बरामद में से कुछ जेवरात हैं जो आभूषण हैं, और नगद जो कि उल्लेखनीय है कि नगद लगभग 2.5 लाख के आसपास। यहाँ इनका जो आवास है बेगूसराय में, जो आप जहाँ पे भी आप हैं ले रहे हैं, बगही वार्ड नंबर 11, और दूसरा जो है उनका शंभूगंज थाना, जहाँ वो अभी एज ऑफिशियली पोस्टेड है SHO, वहाँ एक कार्रवाई चल रही है, एक टीम वहाँ भी है। भागलपुर में भी, बांका में, बांका शंभूगंज थाना नहीं, जो मूल्य है वो लगभग जेवरात मिले हैं, आभूषण मिले हैं, सोने के आभूषण हैं। सर सूचना क्या मिली थी सर? देखिए सूचना यहाँ सूचना मतलब कि जो कार्रवाई की गई वो मतलब गोपनीय सूचना के तहत जो है, तो फिर सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में आय से अधिक संपत्ति का मामला बना, जो कि लगभग 69 लाख रुपए पाए गए इनके आय से अधिक। उसके बाद निगरानी थाना कांड संख्या 6/2024 दर्ज किया गया। उसके उपरांत आज निगरानी से 12 सदस्य टीम ने इनके जो यहाँ पे यहाँ रहते हैं इन पे यहाँ छापेमारी की गई, और दस्तावेज और आभूषण वगैरह और नगद भी बरामद किया गया। नाम समीर चंद्र, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना।